तो भाई ट्रिप हो गई है स्टार्ट हमारी ऋषिकेश के लिए और व्यूज़ आने शुरू हो गए हैं। देखिए कितना प्यारा व्यू है हमारे सामने, पहाड़ी दिख रही हैं और मौसम तो बस पूछो मत कितना ज़बरदस्त हो रहा है। तो हम चलते हैं ऋषिकेश की तरफ। रास्ता थोड़ा सा बारिश की वजह से गीला हो रहा है, थोड़ा संभल के चलते हैं। पहाड़ों में आने का अलग ही मज़ा है, लेकिन हम यहाँ आज पहुँचे तो पता चला कि लक्ष्मण झूला बंद है, उस पर काम चल रहा है। तो वो बंद होने की वजह से काफ़ी टूरिज़म भी अभी कम चल रहा है ऋषिकेश में, और राफ्टिंग जैसा कि बंद हो चुकी है सावन की वजह से, इस टाइम में पानी ज़्यादा छूट जाता है तो अभी बंद हो गई है राफ्टिंग। तो हम पहुंच गए एक प्राइवेट बीच पे, काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा है यहाँ का, बहुत ही अच्छी वाइब सारी थी यहाँ पर कि जैसे हम जो है किसी बीच पर हैं। और थोड़े हमने फ़ोटो शूट किए, ये हमारे अनस भाई हैं, ये पोज निकालने में लग रहे हैं, और पानी बहुत ही तेज़ चल रहा था। हम दो ही लोग थे यहाँ पे, दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था, तो दोनों ने हमने खुल के मस्ती की यहाँ पे, फ़ोटो शूट किए और नहाए हम यहाँ पे। मौसम काफ़ी आज बारिश का सा था, लेकिन उसके बाद भी हमने जो है काफ़ी मस्ती करी यहाँ पे। और ये सस्ता शाहरुख खान बनने की नाकाम कोशिश हमारे अनस भाई करते हुए, लेकिन फिर भी हमने एक अच्छा सा पोज इनका निकाल दिया था। ये हमने मिस कर दिया था, ये यहाँ पर काफ़ी रश रहता है, ये ऋषिकेश का डैम है तो काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं शाम के टाइम में टाइम स्पेंड करने, क्योंकि काफ़ी लंबा एरिया है, लोग यहाँ शाम को आके बैठते हैं, अपने पर फैमिलीज को लेके आते हैं, तो एक अच्छा सा यहाँ पे वाइब्स आती हैं। ये हमने मिस कर दिया कि हम जो है पहले अगर यहाँ आ जाते तो हमें लग रहा था कि हम यहीं रहते हैं यहाँ आगे। आप देखना कि काफ़ी अच्छा यहाँ पर जो है वाइब्स आती हैं, लोग बैठे रहते हैं बहुत सिटी के। टूर तो हमारा अच्छा रहा, लेकिन आज जो है ना के बराबर पब्लिक मिली हमें। जैसे लक्ष्मण झूला अगर खुला होता तो लगता है कि टूरिज़्म काफ़ी बढ़ावा मिलता अब की बार यहाँ भी, लेकिन लास्ट टाइम जब हम आए थे जब हमें काफ़ी रश मिला था, और अब की बार कोई नहीं मिला हमें, मतलब मार्केट भी एकदम खाली पड़ी थी। मैं देख के शॉक था कि पिछली बार इतना रश मिला था हमें कि जैम में से निकलने में हमें एक घंटा लग गया था ऋषिकेश पहुँचने के बाद में, राफ्टिंग वाली एरिया तक पहुँचने के बाद। राफ्टिंग बंद है और इसी वजह से उन्होंने लक्ष्मण झूला का जो रेनोवेशन उसमें होना है वो करा रहे हैं, तो इसलिए अभी टूरिज़्म लगभग बंद है ऋषिकेश का। अगर आप पीसफुल माहौल में आना चाहते हैं तो आ जाइए ऋषिकेश, वरना अभी पॉइंट नहीं है आगे, क्योंकि यहाँ टूरिज़्म अभी बंद है। राफ्टिंग के बंद होते ऋषिकेश का टूरिज़्म ख़त्म हो जाता है। ये रास्ता हमें हरिद्वार लेके जाएगा, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतना छोटा रास्ता हरिद्वार कैसे जा रहा है, मतलब नेशनल हाईवे होना चाहिए, लेकिन ये एक प्राइवेट रास्ता है। तो जो हरिद्वार जो है अपनी व्हीकल से जाना चाहते हैं, जैसे कि कार है आपके पास सब उसकी, जो बाइक से जा रहे हैं, तो ये रास्ता एक प्राइवेट रास्ता है जो हरिद्वार निकलता है, शॉर्टकट भी है, और देहरादून वाला जो रूट है वो अलग है। तो ये एरिया मुझे बहुत पसंद आया, कम से कम मैंने तो 10-12 किलोमीटर हमने इस पर गाड़ी चलाई, बड़ा मज़ा आया इस पर हमें। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।